इस शब्द विच हर चीज नूं तीन हिस्सों में वंड के फिर संतां दी वंड कीती। शब्द दी पहली पंक्ति संतां मध्य गोबिंद आछे। इस शब्द विच मराठी भाषा का भी इस्तेमाल किया। भगत नामदेव जी ने मध्य मराठी भाषा विच लफज है, मध्य का मतलब है विचकार विच। संता मध्य गोबिंद आछे, संता दे हिरदे विच गोबिंद वसदा है। जिस तरह गोकल मध्य श्याम गो, गोकल उस जगह का नाम है जिथे कृष्ण भगवान बचपन विच रहे। श्याम कृष्ण भगवान नूं कहिआ कि जिस तरह लोग ये मनते ने कि गोकुल विच कृष्ण भगवान वसदा है, इस तरह संतां दे हिरदे विच गोबिंद वसदा है। संता मते गोबिंद आछे, गोकल मते श्याम गो। मराठी भाषा का लफ्ज है कि संसार की खेड तीन गुणा के नाल बनी हुई है, कि त्रिछंदे का खेल है। तीन छंदे राजा के
ਆਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਚਾਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਾੜਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੱਕਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਘੁਮਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਘਰ ਸਾਂਢੀ ਕੋ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਢੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀਆ ਛੇ, ਰਾਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਢੀ। ਰਾਂਡੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਤਾਂ ਘੁਮਿਆਰ, ਰਾਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਢੀ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ, ਬਾਹਮਣ ਕੇ ਘਰ ਰਾਂਡੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਤ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਹਾਂਡੀਆ ਛੇ, ਰਾਜਾ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਢੀ ਕੋ। ਪਾਵਣ ਕੇ ਘਰ ਰਾਂਡੀਆ ਛੇ, ਰਾਂਡੀ ਸਾਂਢੀ ਹਾਂਡੀ ਕੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਕਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹਿੰਗ ਹੈ, ਪੈਂਸਰ ਮਾਥੇ ਸਿੰਘ ਕੋ, ਪੈਸਰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਮੀਦਾਰ ਉਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ। ਬਾਣੀਏ ਕੇ ਘਰ ਹਿੰਗ ਆਛੇ, ਪੈਸਰ ਮਾਤੇ ਸਿੰਘ ਕੋ। ਦੇਵਲ ਮਾਤੇ ਲਿੰਗ ਆਛੇ, ਲਿੰਗ ਸਿੰਘ ਹਿੰਗ ਕੋ।
मते लीग अच्छे देवल क्या है मंदिर हुण मंदिर ते कई ने कोई किसे दा मंदिर कोई किसे दा मंदिर ते शिवजी दा मंदिर ओनू कहा जांदा है जिथे शिवलिंग पिया होवे आखो सतनाम शिवाला ओनू कहा जांदा है जिथे शिवलिंग होवे तो भगत जी कहंदे ने बाणी दा पता लगदा जी उहदे कोल हिंग है चंगी मझ जिमीदार नूं पसंद आंदी है कुंडलां वाले जिहदे सिंघ हो ते शिवाला ओनू कहा जांदा है जिथे शिवलिंग होवे तीन चीजां हो गईआं शिवलिंग हिंग ते सिंघ इसे तरह जे संतां दे हिरदे विच गोबिंद वसदा है तां उह संत नहीं देवल माते लिख आजे लिख सीत हीग गो संता मते गोबिंद आजे गोकल मते श्याम गो तेली के कर तेले आछे जंगल मते बेल गो तेली के कर तेल आछे तेली ओ जिदे कर तेल है पोलू है जे पोलू नहीं ते किवें पता लगेगा के भाई ये तेली जंगल मते बेल को जिस जंगल में वेला ना होन बूटे ना होन वो जंगल नहीं होता जंगल सुनदा है वेला दे ना ते तेली दा पता लगदा है कि हाँ भाई इहदे कोल कुछ है तेल है इहदे कोल कोलू भी है तेली के कर जंगल मते बेल गो माली के कर केले आछे केल बेल तेल गो माली के कर केल अच्छा असल विच ओ पक्का माली है जिनू केले भी लगाने हां जिदे घर केलियां दा बी नहीं ओ माली नहीं हो सकदा जिहड़ा केले ना लगा सके तीन चीजां हो गई है तेल बेल ते केल तिना चीजा नाल तिना चीजा की पहचान ते गोबिंद हिरदे विच वसे ते संतां की पहचान माली के कर केले आछे केल बेल तेल गो संतां मते गोबिंद आछे मते श्याम गो संता मते गोबिंद आछे गोकल मते श्याम गो पर ओ गोबिंद वसदा बड़ा औखा है क्योंकि ओनू वसाण वास्ते कोई ना कोई उद्यम करना पैंदा ते जदों वह हिरदे विच वस जावे ते फिर वो कित्थे तक जा पहुंचदा है
आओ एक बारी रसना पुत्र करो प्यार नाल आखो सतनाम श्री। ये तो आपने सुने कि जेड़ा भी गुरु की ओट लवे गुरु ओदी रखिया करता है, पर इस तरह करता हो सकता है आपने पहला सुनिया हो, पर जिन्ना नहीं सुनिया हैरान हो गए कि वो गुरु किसी की रखिया इस तरह नहीं करता। बिलासपुर का राजा भीम चंद अपनी सभा ला के बैठा है, ते सलामा की हो रही है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नु खत्म करन लई इहदा एक वजीर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहन लगा राजन, जे जान बख्शी जाए तो एक बेनती करा। वजीर कहन लगा, राजन तुसी सारे गुरु गोबिंद सिंह जी नू अपना दुश्मन क्यों समझते हो? ओ ते इस दुनिया ते पाप खत्म करन आए। गुरु गोबिंद सिंह जी किसे दे वैरी नहीं, मेरी सलाह मनो, असी सारे गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणा विच चलिए, उन्हां दे नाल मिल के जुल्म खत्म करिए। गल्लां ते चंगीआं सन, पर कहिंदे ने कुछ समय इहो जिहे भी आ जांदे, चंगी गल कहो तां कौड़ी लगदी। भीम चंद नूं गुस्सा चढ़ गया, कहिण लगा, अच्छा वजीर मेरा लून मेरा खाना है ते गुण गुरु गोबिंद सिंह दे गारे। हुक्म कीता, इस तरह जापदा है जिवें गुरु दे नाल मिलिया होया है। एक गद्दार है, इहदे हत्थां पैरां विच बेड़ियां पा दे, सारे शहर विच इहदा जलूस कढो, फिर खूनी घाटी ते लै जाओ, गर्म किल करके इहदियां अखां विच ठोक दिओ, मैं देखा इहदा गुरु गोबिंद सिंह इहनू किस तरह बचांदा है। संतां मते गोबिंद आछे ओकल मते श्याम गो, नामे मते राम वाचे राम श्याम गोबिंद गो। संता मते गोबिंद आछे ओकल मते किथे वजीर ते किथे कैदी बन गए। एक गल कह दे, असां ते सुनाना है ते आनंद तुसां आप लैणा। जेड़ी भी गल सुनो अपने मन नूं ओहदे पिछे तोर लो, फिर इस तरह जापेगा कि जिथे घटना हुई असी उथे ही बैठे। ओ वजीर कड़ी ना लगी ते कैदी बन गया, पर हिरदे विच गोबिंद वसदा है, चेहरे ते डर नहीं चिंता नहीं। सारे शहर विच इस वजीर नूं घुमाया गया, बड़ी भीड़ लग गई। शहर दे बाद इस भीड़ नूं रोक दिता, सिपाही भी रुक गए,
तो जलादा ने इस वजीर नू बाहां तो पड़ लिया ते खूनी काटी लै तुरे जिथे मौत की सजा दिती जांदी सी। एक चट्टान ते इस वजीर नू लम्मा पा दिता, जलाद किल गर्म करन लग पए। इस वजीर ने एक वरी जलादा वल देखे, एक वरी किल्ला वल देखे, एक वरी चार छपेरे तकिया, मरे हुए आदमियां दियां हड्डियां पईयां ने, इल्लां उड़ रही हैं, हर पासे मौत दा नजारा। सारियां वल देखे आ, फिर अपना ध्यान गुरु दे चरणा दा धरिया ते अखां बंद कर लिया। ए सोचिया ना कोई जलाद है, ना कोई किल, इत्थे ते मेरे कलगियां वाले दे चरण ने, ते चरण अखां च वसा लै। अखां बंद कर लिए ते कुछ नहीं दिखदा। इसे तरह इस भी अखां बंद कर लिया, उधर किल गर्म हो गए। जलाद किल लैके इस वजीर दे सराणे खड़े हो गए। सड़दे किल पर ओह ते हुक्म दे बजे ने, ओ सड़दे सड़दे किल इस वजीर दी एक वरी चेहरे दी नुहार देखी। चेहरा देखिया ना चिंता है ना डर है। वो सड़दे किल वजीर दियां अखां विच ठोक दिते, खून वगन लग पे। पर इस वजीर ने ना चीक मारी ना सी की। जलाद उठे, सोचिया अन्ना हो गया है, हाथ पैर बजे ने, तुर फिर सकदा नहीं, आपे रुल रुल के इत्थे खत्म हो जाएगा। जांदे हुए वो रस्ता भी बंद कर गए कि इल्ला नोच नोच के एदा मास खा लें। संता मते गोबिंद आछे ओ कलम ते श्याम गो, नामे मते राम आछे राम श्याम गोबिंद गो। संता मते गोबिंद आछे ओ कलम ते श्याम गो। जलाद चले गए। हुण उस गुरु ने की कीता जिस गुरु दी ओट ली सी। हाथां पैरें दियां बेड़ियां अपने आप खुल गईयां। आखो सतनाम श्री गुरु। हाथ खुले, मुंह ते हाथ फेरिया के लहू पूंज लवां। जद मुंह ते हाथ फेरिया तां हैरान हो गया, जिन्हां अखां विच किल ठोके सन ओ अखां भी नरोईयां, अखां भी ठीक नहीं। उठ के खड़ा हो गया, सामने देखिया जिहड़ा रस्ता जलादा ने बंद कीता सी ओ रस्ता भी खुला हो गया। हुण मन प्यार नाल भर गया। चल मना, जिस गुरु ने रखिया कीती हुण ओहदे दर्शन कर। भज पिया पहाड़ी रस्ता, पैर लहू लुहान हो गए, कपड़े झाड़िया नाल अड़ अड़ के पाट गए। भजा जा रहा, हालों बेहाल है। आनंदपुर साहब पहुंचे, पर अज कलगी धर पातशाह दे महल का दरवाजा बंद है, बार पैरे घर खड़ोता है। इस हाथ जोड़े बड़ी दूरों आया, साहबां दे दर्शन करने। पहरेदार ने किया सिखा, गुरु नानक का दर सारिया वास्ते खुला है,
पर अज साहबां दा हुक्म है किसे नू कमरे दे अंदर नहीं आण दे, तू फिर आ जा। उथे बह गए, हाथ जुड़े हुए ने, सिखा मैं ठहर नहीं सकता, जा बेनती कर बिलासपुर दा वजीर आया है, वो दर्शन चाहता है। इहदी आवाज विच इन्ना दर्द ते शुकर सी, पहरेदार दा मन भी भर आया ते सतगुरां नूं बेनती कीती, कपड़े पाटे, बुरा हाल है, चेहरे ते रौनक है, ते कहिंदा मैं बिलासपुर दा वजीर हां। साहब जी मुस्करा पए, कहन लगे हां भाई वो सच कहिंदा, वो वजीर है बिलासपुर दा, ओदी उड़ीक विच तां बैठे होए हां, जाओ उन्हूं अंदर ले। पहरेदार आया, प्यार नाल कहन लगा, ओ सिखा धन है, दुनिया गुरु नूं उड़ीकदी, किड्डे वड्डे भाग ने तेरे, गुरु तैनू प्या उड़ीकदे। बहु फड़ लिया इस वजीर ने, कमरे विच जदों पैर पाया मन नूं ठंड पै गई। सामने पलंग ते सराणियां दी ढोल आ के कलगीधर पातशाह अद लेटे बैठे ने, उत्ते चादर लई। वजीर ने मत्था टेकिया, मूंह विचों कोई बोल नहीं निकलदा, की कहां किवें धन्नवाद करां, इको गल कही पातशाह बड़ी कृपा कीती। अगू साहब जी अपना दर्द छुपा के चेहरे ते मुस्कुराहट है, कहन लगे सिखा कृपा मैं नहीं कीती, कृपा तू साडे ते कीती। सिखा तू साडे ते कृपा कीती। ए सुन के वजीर हैरान हो गए, कहन लगा महाराज मेरियां अखां विच किल ठोके, मेरे हत्थां पैरां विच बेड़ियां सन, किथे अखां विच किल, अखां ठीक हत्थां पैरां विच बेड़ियां, वो बंधन तुसां कटे, कृपा ते तुसां कीती। साहब जी कहन लगे नहीं सिखा, तू साडे ते कृपा कीती। जदू जलाद तेरिया अखां विच किल ठोकण लगे सन, सिखा तू उदू अपना ध्यान साडे चरणां दा धरिया सी, ते ओ किल साडे पैरां विच आ के खुभे। इन्ना बचन कहा, उस शहनशाह ने अपने पैरां तों चादर लाई, ते सारा बिस्तरा खून नाल भरे, गुलाब वर्गियां पैरां दियां तलियां जख्मी होईयां पईयां, सराणे थले हत्थ मारिया, दो लम्मे लम्मे किल कढ के ते सामने रख दित्ते, ते मुस्कुरांदे होए कहण लगे सिखा इहो ही किल सन। इह नजारा तकिया ना गया, कुब्बा मार के रो पिया, कहण लगा पातशाह जे मैनू पता होंदा आप नूं इन्ना दुख मिलना है, तां मैं कदी अरदास ना करदा। साहिबां गल ना लगा लिया, सिखा तू क्यों ना अरदास करदा है भाई, जदों भी तू गुरु नानक दी ओट लैंदा है, मनो अरदास करदा है, ते फिर ओहदे दुख गुरु नानक अपने ते लै लैंदा, सेवक नूं ओह दुख नहीं होण दिंदा। सिखा कृपा तू ये कीती, साडे चरणां दा ध्यान धरिया, जे साडे चेहरे दा ध्यान धरदा ते ये किल साडियां अखां विच ठुकणी सी। इस संसार ते जदों तक असीं रहना सी, फिर बिना अखां दे रहना सी, क्योंकि सेवकां दे दुख अपने ते चलने पैंदे। गला रुक गया, अथरू नहीं रुकदे, की कहां पातशाह, ए ते सुनिया सी
कि जिहड़ा गुरु नानक दी ओट लैंदा है गुरु नानक उहदी रखिया करदा है, पर इस तरह करदा होवेगा इह नहीं सी पता। सतसंग गुरु ते रखिया करदा है वह मिलदा भी है, पर असीं उहनूं मिलण दी कोशिश नहीं करदे। जदों भरोसा बढ़ जाएगा फिर वह गुरु आपे साढ़े हिरदे विच आके वस जाएगा, उहनूं लभण दी लोड़ नहीं। नामदेव दे हिरदे विच वसिया, ते नामदेव जी कहिंदे ने भाई जिवें तीन चीज़ां दा मेल है, इन्हां चीज़ां करके इन्हां चीज़ां दी पहचान है। इस तरह जिन्हां दे हिरदे विच गोबिंद वसदा है वह महापुरश बन जांदे ने, ते गोबिंद सदका महापुरशां दी पहचान, ते महापुरशां दे सदका गोबिंद दी पहचान। आओ समां समाप्त है, आखिरी पंक्ति पढ़ के समाप्ति करते हैं कि संतां दे हिरदे विच गोबिंद वसदा है। इसे तरह जिहड़े भी इंसान बंदगी करते हैं वह गोबिंद उन्हां दे हिरदे विच वस जांदा है। संतां मते गोबिंद आछे, गोकल मते श्याम गो, नामे मते राम आछे, राम श्याम गोबिंद गो। संतां मते गोबिंद आछे, गोकल मते श्याम गो, संतां मते गोबिंद आछे, गोकल मते श्याम गो, नामे मते राम आछे, राम श्याम गोबिंद गो, संतां मते गोबिंद आछे, गोकल मते श्याम गो। सच्चे पातशाह जिन्हां गुरमुखां प्यारे हैं शब्द भेट मार दास कराई है, तिन्हां दे नाम तो आप जाणोगे। सर्वत नूं नाम दान बख्शना, समा क्योंकि ज़्यादा हो गया है, जो हुक्म होए सन शब्द पढ़न वास्ते, खास करके राज करेगा खालसा आकीरे ना कोए स्वेट दी दीवान विच इस शब्द जरूर पढ़ देंगे। भुला चुका दिखी मां बख्शो, फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।